बहुत ही लाजवाब है, एकदम ऑसम टेस्ट। उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए लेकिन बहुत ही अच्छी बनती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की रेसिपी है लोकल चिकन ड्राई फ्राई। ये बनाने में बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इस चिकन को हम 1 वीक तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो आइए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है। चिकन ड्राई फ्राई के लिए यहाँ पर मैंने 800 ग्राम लोकल चिकन को अच्छी तरह से धोकर रख लिया है और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने 8-9-10 मिर्चियाँ भी काट कर रेडी कर रखी है और साथ ही साथ यहाँ पर मेरा पंचफुरन भी पूरी तरीके से रेडी है। और आइए बनाते हैं लोकल चिकन ड्राई फ्राई। तो यहाँ मेरा तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें सबसे पहले डाल रही हूँ ये पंचफुरन। इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें ये कटी हुई मिर्च। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ऐसे। अब हम इसमें डालेंगे डायरेक्टली चिकन। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये चिकन डायरेक्टली। अब इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। चिकन को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए तेल में पूरी तरह से। 2 मिनट जितना इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये हल्दी पाउडर। अब हल्दी पाउडर को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये बहुत ही आसान तरीके से बनता है। इसको बनाने में हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अदरक, लहसुन, प्याज वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हल्दी जो है वो पूरी तरह से मिक्स हो गया है। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। थोड़ी देर इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक स्वाद अनुसार। नमक को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। इसको अभी हम ढककर रख देंगे। तो इसको अब हम ढक्कन लगाकर ढककर रख देंगे। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे। ढक्कन लग गया। इसको 2 मिनट 1 मिनट में हमको चलाते रहना है। तो 1 मिनट 2 मिनट के गैप में आपको ढक्कन हटाना है और ढक्कन हटाते हुए इसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें हम पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं करेंगे और रेड चिली पाउडर थोड़ी देर में करेंगे क्योंकि रेड चिली पाउडर अगर पहले यूज़ करते तो वो जल जाता है। तो इसको आपको 2-2 मिनट में इस तरीके से ढक्कन हटाते हुए इसको मिक्स करना है। मैंने इसको बीच बीच में आकर 3 बार जितना इसको मैं मिक्स कर चुकी हूँ। अब फिर से मैं इसका ढक्कन हटाकर इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये उछलता है तो आपको कैसे इसको मिक्स करना है। देखिए कितना सुंदर सा कलर आया है ना। अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। ऐड कर रही हूँ ये रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर ऐड करने के बाद इसको फिर से हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये बनाने में बहुत ही आसान होता है। अब मैं इसको फिर से हटाकर मिक्स करूँगी। एक बार रेड चिली पाउडर यूज़ करने के बाद हमें ये बात याद रखना है कि हमें इसको एकदम लो फ्लेम पर ही पकाना है क्योंकि रेड चिली पाउडर डालने के बाद ये थोड़ा जलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको आपको एकदम लो फ्लेम पर ही पकाना है रेड चिली पाउडर डालने के बाद। उससे पहले मैं मीडियम फ्लेम पर ही पका रही थी। इस चिकन को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता क्योंकि इसमें हमने ना ही
प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल नहीं किया है, और साथ ही साथ यहाँ पे एकदम हमने पानी का तो इस्तेमाल किया ही नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आप चाहे तो इसको 1 वीक तक स्टोर करके रख सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर सा कलर आया है ना, खाने में भी उतना ही टेस्टी बनता है। अब हमें इसमें ऐड करना है थोड़ा सा मीट मसाला। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसालों से फ्लेवर जो बहुत ही अच्छा आता है, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो इससे हमें बीच बीच में चलाना है, मसाले मिक्स हो जाएंगे ना, थोड़े से मसाले पकने भी चाहिए, मसाले की भी कच्ची खुशबू होती है थोड़ी सी। तो देखिए इस तरीके से है, तो फाइनली आपका चिकन रफ फ्राई जो है वो पूरी तरह से रेडी हो गया है। तो ये रही फ्रेंड्स, मेरी चिकन ड्राई फ्राई जो है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। इसे हम इस तरीके से बनाकर खाते हैं, क्योंकि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। ये जो आपको मसाले दिख रहे हैं, ये भी बहुत ही टेस्टी होती है। ये आप ऐसे भी खा सकते हैं या फिर राइस के साथ भी खा सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी ये ईजी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये रही फ्रेंड्स, मेरी चिकन जो फिर से रेडी हो चुकी है। ये मुझे कब से खाने के लिए बुला रही है। ऐसे तो मुझे चिकन इतना पसंद नहीं है, मैं बहुत ही कम चिकन खाती हूँ, लेकिन इस तरीके से लोकल चिकन को ड्राई फ्राई करके खाने में जो मज़ा है ना, कह नहीं सकती, बहुत ही टेस्टी होता है। तो मैं अब आपको टेस्ट करके दिखा रही हूँ। बहुत ही लाजवाब है, एकदम ऑसम टेस्ट। उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग भी इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसमें लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी नए नए वीडियोस लेकर आती रहूँ ईजी और टेस्टी रेसिपीज़ वाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।